मैंने वसीम भाई से अचानक ऐसे सवाल अभी पूछा थोड़ी देर पहले, मैंने कहा वसीम भाई कि यू यूज टू यूज दिस फिंगर और नॉट, क्योंकि मैंने लेटर ऑन एज में जब मैंने लर्न, वसीम भाई जब मैंने लर्न कर लिया ना न्यू बॉल, श्योर, तो नॉर्मली आई यूज टू होल्ड क्लोज अप, स्ट्रेट एंड आई यूज टू क्लोज अप एंड आई नो यू यूज टू हैव दिस थंब Close. Yeah. I never used to be, मेरे से नहीं होता था इस तरह बॉल. I used to always have this. That's why I still got this this part very very hard. So I used to really keep that very simple. Chandi bags. Yeah, kind of. And then the spinner and bendi ji. नहीं नहीं fast रहा. हाँ भी मेरे यहाँ होती है. And then I used to use this finger a lot to just to support my you know support the ball to just have a stability. तूने मुझे उसमें कभी बताया जब हम खेलते थे. जब मैंने स्विंग करना शुरू किया दैट्स व्हेन व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग और मैं तुहानू उस वेले की दसदा थोड़ा आप एडा एडा स्विंग हुंदा सी ना अगर मैं तुहाडा दोस्त वेले दस दिंदा तां सारा तुहाडा खराब हो जाणा सी सिलसिला हां एक्सप्लेन करो फिंगर से होता क्या था एक्चुअली देखिए ये मेरा मानना है सम बॉलर्स के कईयों को मैंने काफी लड़कों को आप कह रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ हेल्प भी किया क्योंकि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ जस्ट लर्नड इट बेसिकली होता क्या है कि यू नो ये बेसिकली ये दो फिंगर वेस्ट होती हैं नॉर्मली जो कहते हैं ना अच्छा जी वेस्ट इंडियन बॉलर यहाँ होल्ड करते थे बॉल उनकी ये फिंगर्स टच भी नहीं करती थी ना मेरा बिलीव है मेरा मानना है मैंने क्या किया ओवर द इयर्स स्पेशली व्हेन आई लर्न द न्यू बॉल मेरा मानना है कि ये जो ये थर्ड फिंगर है ना इसका रोल है इसमें बॉलिंग में एंड दैट इज यू जस्ट सपोर्ट दिस जस्ट टू गेट दिस आउट स्विंग गोइंग यू नो व्हेन यू जस्ट व्हेन यू रिलीज द बॉल दिस बॉल दिस शुड सपोर्ट द बॉल सपोर्ट द बॉल के आपका हाथ का जो जो टूटता है ना रिस्ट ना टूटे सो यू जस्ट गो बूम सपोर्ट द बॉल विद दिस सो योर सीम कम आउट नाइस एंड स्ट्रेट और नाइस एंड लिटिल बिट टिल्टेड जो कि आउट स्विंगर आपका होता है स्पेशली फॉर एन आउट स्विंगर इन स्विंगर प्रॉब्ली आई यूज टू स्टिल होल्ड इट बट आई यूज टू सॉर्ट ऑफ यू नो मेरे इन स्विंगर कभी भी नहीं था नए बॉल से आई यूज टू मेक श्योर कि आउट स्विंग होता होता क्रॉस ऐसे पकड़ के बॉल स्विंग ना हो एंड दैट वॉज रियली गुड इनफ फॉर मी जब आप थर्ड फिंगर नहीं नहीं जब मैंने आउटस्विंग सीखी थी तो मैं ये वाली फिंगर यूज करता था क्यों हो गया नॉन क्रिकेटर ना बैठ के ना बाने बाने कैच छोड़ देते सो मैं आई यूज टू यूज दिस फिंगर फॉर आउटस्विंग ये मैं कई दफा ऊपर करके तो इसको मैं यहां से नीचे से मारता था ये ऐसे करके और शुरू में जब मैंने आउटस्विंग सीखी पहले तो मैं इनस्विंग करता था वो जो आती थी नेचुरल थी फिर मैंने देखा 92 के बाद मैंने एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया 93 हम जब जावेद भाई कप्तान थे ट्रायल सीरीज थी जो हमें बड़ी पड़कास पड़ी थी उस पर ये सीखा था मैं नेट में खड़ा होकर ना आहिस्ता खुद ही कोई कोच नहीं किसी ने नहीं बताया मैंने कहा आउटस्विंग सीखनी है मेरे को सारे अंदर के लिए तैयार होते हैं सो मैं नेट में खड़ा होकर खड़ा मैं रिस्ट को आके ऐसे दो दो कदमों से खड़े खड़े पहले हल्की सी वो बाहर निकलनी शुरू हुई थोड़ी एक्साइटमेंट हुई फिर थोड़े चार कदमों से किया एक दफा नहीं काफी दफा चार कदमों से फिर पांच कदमों से फिर शुरू में फिर रन अप पूरे से किया तो कंट्रोल नहीं था आ रहा फिर सात कदमों से नॉर्मल रन अप नॉर्मल हाँ साढ़े सात कदमों से सो फिर कंट्रोल नहीं था आ रहा मुझे बट और पेस मेरी कम हो रही थी बिकॉज देन आई रियलाइज कि मेरे जो ये मसल्स थे पहले कभी यूज नहीं थे हुए इन स्विंग के लिए सारे इधर से यूज हो रहे थे सो इवेंचुअली नेट में कर के मैंने उसी सीरीज में आउट स्विंग की और हुई मगर पेस नहीं हुई पर इवेंचुअली कर के आफ्टर सिक्स मंथ नेट्स में कंट्रोल भी आ गया पेस भी आ गई वापस और कंट्रोल ऐसा आया कि मैं उनको फिर ऐसे भी पकड़ के यहाँ से ऐसे भी कर देता था ज्यादा भी कई दफा कर फ्लिक कर कई दफा कम जब मैं ऊपर से हाथ लाता था तो मैं ऐसे मारता था सीधा ताकि सीम हो जब स्विंग करना होता तो मैं पूरा ऐसे आपका एक्शन थोड़ा सा चेंज होता था हल्का सा पीछे से आके ऐसे होता था या। या। लेकिन आपको चंडी तो नहीं पड़ी आपने चंडी मुझे यहाँ पड़ी क्यों ये पकड़ मैं बॉल ऐसे पकड़ता था देखे मेरा अंगूठा नीचे बिल्कुल पीछे जाता था सो दैट्स वाई यहाँ से अंगूठे का आपके वो क्या कहते हैं उसको गुठली सी बन जाती है वही चंडी चंडी वेल देयर यू हैव इट द टू डब्ल्यूज द ग्रेट लेजेंड्स राइट हियर इन द पवेलियन डिस्कसिंग सम वेरी इंट्रीगिंग एंड लिटिल डिटेल्स रिमेंबर द डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल